यदि आपको भी है दांत में दर्द तो अपनाए यह घरेलू नुस्खे, कुछ ही मिनटों में दर्द हो जाएगा गायब। दांत का दर्द सबसे खतरनाक दर्द माना जाता है। जिस इंसान को ये दर्द होता है उसके सिवाय इस दर्द का एहसास कोई नहीं जानता। दांत के दर्द में इंसान एकदम असहाय बना सकता है और दांत के दर्द में समय कुछ भी नहीं सूझता सिवाय डॉक्टर से दांत को निकलवाने के। इसलिए आज हम आपको ऐसे घरेलू उपायों के बारे बताते हैं। अगर आपके दांत में दर्द हो रहा है तो प्याज का एक टुकड़ा अपने दर्द वाले दांत पर रखें और धीरे धीरे चबाते रहें, क्योंकि प्याज में एंटीसेप्टिक गुण दांत के दर्द को कम कर सकता है। और अगर प्याज को चबाने में दिक्कत आ रही है तो प्याज के रुपए को रुई में लगाकर आप दर्द वाली दांत पर लगा सकते हैं। दांत के दर्द में अमरूद के पत्तों का सेवन भी लाभकारी होता है। इसके लिए अमरूद के ताज़ा पत्ते यानी हल्के हरे रंग के छोटे पत्ते चाहिए। इन ताजे पत्तों को अच्छी तरह से धोलें और अपने दर्द वाले दांत से उस पत्ते को चबाएं या फिर उबालकर पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दांत के दर्द में नमक और काली मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके लिए आप थोड़ा नमक और पीसी हुई काली मिर्च में हल्का पानी मिलाकर यह पेस्ट दर्द वाले दांत पर लगाएं। इससे दांत का कीड़ा भी खत्म हो जाएगा। अगर आप छोटे गेहूं के पौधे को मुंह में डालकर अच्छी तरह से चबाएं, इसे पानी में उबालकर उस पानी की अच्छी तरह से कुली करेंगे तो आपके दांत का दर्द जल्द ही ठीक हो जाएगा। ऐसा आप सप्ताह में 2 से 4 बार करें, जल्द ही दांत के दर्द से मुक्ति मिल जाएगी।